हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई पर स्टडी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और हर सैटरडे को आपसे मुलाकात होती है मेरी इस चैनल पे। इसके अलावा डेली क्लासेस के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन वाई पर स्टडी स्टूडियोज चैनल। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सबसे पहला जो काम होता है, एक बार से लिंक को कॉपी करिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी यहाँ पर सेशन में जुड़ पाया करें। आज का सेशन जो रहेगा उसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, जैसे कि लास्ट वाला जो क्लास हुआ था हम लोगों का, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़े थे, राइट। इस वाले वीक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से हर वीक में हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे सेशन की। एक चीज़ बता दूँ, जिमी आपने जो सवाल पूछा हुआ है ना, बिल्कुल बेस्ट, उसका बॉर्डर शेयर करता है। मैं काम करूँगी, कल सुबह का जो 7 बजे का लेक्चर होगा करेंट अफेयर्स का, उसमें इंडिया के मैप के साथ में उसको हम एक बार से समझा देंगे, ठीक है ना। तो वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। भैया एक बात है, लिंक को कॉपी मारो और इसको जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोग भी सेशन में जुड़ पाए। चले, अच्छा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, अच्छा, शुरुआत करेंगे यहाँ पे सेशन की। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, 40 सवाल होने जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इसके अलावा ड्रेनेज पैटर्न वाला जो चैप्टर है, जो थ्योरी के फॉर्म में आज आपको मिलने वाला है, उसका टाइम क्या है, वो टाइम है 10:30 बजे। कहाँ पर क्लास होगा, तो एक नया चैनल है वाईफाई स्टडी स्टेट पीसीएस, ठीक है ना, इस पे आपको क्लास मिलेगा। आपको इस पे ज्वाइन करना है, कितने बजे, 10:30 बजे। और आपको पता ही है स्पेशल क्लासेस जो हैं वो आज नहीं होते हैं, वो संडे को होते हैं। तो कल मार्च का करंट अफेयर्स होगा सुबह 8 बजे अनअकैडमी पे, तो उसे मिस मत करिएगा। चलिए भैया, गुड मॉर्निंग। हाँ नितिन, तुम्हारे कमेंट्स दिख रहे हैं, काहे को परेशान हो जाते हो। आशीष, सात्रु, सविता, राहुल, रवि, नितिन, विशाल, अनु, मार्क, अरविंद, हर्ष, आईएस, दीक्षा, नीरज, गुड मॉर्निंग गाइस। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो प्रति सिंह के नाम से, जहाँ पे आपको जनवरी से लेके सितंबर तक का करंट अफेयर्स का सेशन मिलता है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास दोपहर में 2 बजे रहता है, बट संडे को ये क्लास सुबह 8 बजे होता है। चलिए, अच्छा, शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ, जल्दी से सवाल पढ़ना, फटाक से आंसर करना। देखो सवाल में क्या पूछा जा रहा है, चिलनवाला वॉर या फिर बैटल ऑफ चिलनवाला, आपको बताना है कि ये जो बैटल है, ये जो युद्ध है, ये कौन से ईयर में हुआ था। पहला सवाल बताओ। जजिता, गोलू किंग, तरुणा, तरुण, तन्मय, अच्छा क्लास का टाइम नहीं हो पा रहा है, शुभ शोकल, शुभ शोकल। चलिए, अच्छा, देखिए इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो युद्ध हुआ था, ये जो बैटल हुई थी, ये जुड़ा हुआ है किससे, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो हुई थी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। एंग्लो का मतलब क्या होता है, ब्रिटिशर्स होता है, तो इसका मतलब हो गया कि ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में जो एक युद्ध हुआ था, उसे हम बैटल ऑफ चिनवाला के नाम से जानते हैं। एक्चुअली जो चिनवाला है ना, एक ये प्लेस है, क्या है, जगह है, कहाँ पर आपको मिलती है, पंजाब के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में ये जो जगह है वो कहाँ पर है, तो जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब की लोकेशन है, वहाँ पर आपको ये जगह देखने को मिलती है। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1849 में ये जो युद्ध है ये हुआ था। देखो एक ही सवाल से और हिस्ट्री आती है तो सब खा जाते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ये चीज़ें भी आपको याद होने लगेंगी। अच्छा एक सवाल और पूछ सकते हैं क्या, ये जो युद्ध हुआ था ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था। अगर सवाल ये बना तो एटलीस्ट आपके पास जवाब होना चाहिए कि रिवर कौन सी हो जाएगी, झेलम नदी के किनारे आपको ये युद्ध देखने को मिला, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हम लोगों ने कर लिया। चलो, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, बताइएगा। देखो ये पूरा यहाँ मेंशन भी है, मैंने आपको बता भी दिया। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग चोला किंग, अगर हम चोला साम्राज्य की बात करते हैं तो इसमें से कौन से ऐसे राजा थे जो सबसे ज्यादा पावरफुल माने गए, बताइए। पाक पंजाब, बिल्कुल करें। हेलो राहुल, गुड मॉर्निंग। अमित अंकुल, गुजराती बॉय, करुणा, राज, गुड मॉर्निंग, चांदनी, विकास, विशाल, गुड मॉर्निंग, सचिन, गुड मॉर्निंग। चलो, अच्छा, उस पर प्रेशर, हाँ उसी पे प्रेशर बेस पढ़ा देंगे, उस पर एक्चुअली थ्योरी थ्योरी चलेगा ना, तो उसी पे हम आपको टॉपिक पढ़ा देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। अब तो देखो एक जगह मिल गई है जहाँ थ्योरी पढ़ाएंगे, तो वहीं पे पढ़ा देंगे, डोंट वरी। चलो इसका आंसर बताओ क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजेंद्र 1। अब देखो जब हम चोला किंगडम की बात करते हैं ना, तो हमें ये तो पता है कि चोला साम्राज्य कहाँ का होगा, साउथ का होगा, सब लोग जानते हैं। चाहे पल्लवा डायनेस्टी पूछें या पुलकेशिन पूछें या फिर चोला डायनेस्टी पूछें, तीनों ही डायनेस्टीज कहाँ होंगी, साउथ इंडिया में मिलेंगी। अच्छा ठीक है,
राजेंद्र चोला जो है उनको माना जाता था कि सबसे पावरफुल थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी मिलिट्री को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। चोला के टाइम की अगर हम बात करें तो एक मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उसका नाम क्या है? बृहदेश्वर टेम्पल। कौन सा हो जाएगा? बृहदेश्वर टेम्पल। तो इसका नाम याद रखना, सवाल हो सकता है आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए। जरूरी नहीं है क्वेश्चन वैसे ही बन के आए जैसा मैंने बनाया है, बट उसके बाकी जो क्लॉजेज हैं वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि सवाल कैसा भी हो जवाब आपके पास होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। हलवा सवाल आता हुआ बताओ। अरे बाबा रे, अब मैं क्या करूं, एक्चुअली मुझे टाइम ही ऐसा दिया जाता है, मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। अब मेरे हाथ में नहीं होता ये, कसम से बता रहे हैं मेरे हाथ में नहीं होता। चलो अगला सवाल बताओ। स्वदेशी मूवमेंट वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन, आपको बताना है कि जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करी गई है या जो मानी जाती है, ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कब किया गया था? ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कब किया गया था? अच्छा, आपको UPSC की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए SSC वाले बैच के साथ जाओ बेटा। देखो आप में से जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो SSC, DRDO, रेलवे, NDA, CDS या फिर स्टेट PCS के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, कौन सा वाला, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, अगर प्रीलिम्स के स्टेट PCS के लिए सिर्फ पढ़ना चाहते हो ओनली फॉर द प्रीलिम्स, तो आप SSC वाला बैच ज्वाइन कर लो जो 29 है। हाँ, अगर आपको मेंस, इंटरव्यू, मॉक ये सारी चीज़ें करनी है, देन गो फॉर UPSC बैच। ठीक है, चलो आंसर बोलो भैया। सेशन को लाइक और शेयर करोगे, हमें कहना पड़ेगा अभी तुम लोगों से। गुड मॉर्निंग, चलो इसका आंसर बताओ। 7th of August होगा, बहुत बढ़िया। आंसर बनेगा यहाँ पे 7th of August 1905। अब जरा समझिएगा क्या लिखा है, स्वदेशी मूवमेंट लिखा है। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था? देखो सिंपल सी बात है, जब ये आंदोलन शुरू किया गया था तो इसमें सबसे पहली तो शुरुआत होती है किस चीज़ की? बंगाल विभाजन की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का क्या करना था, पार्टीशन करना था, उसके हिस्से करने थे। उस टाइम पे आपसे पूछ सकते हैं कि उस समय पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे वायसराय के रूप में कौन थे, तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन। कौन सा टाइम था? 1905 का समय देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये कब जाके ख़त्म हुआ था, 1911 में जाके ये एंड होता है, ख़त्म होता है। लेकिन ये तो ऑफिशियली डिक्लेयर था, कब हुआ, कब खत्म हुआ ये भी पता चला, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई अगर ये पूछ लिया तो ये जो मूवमेंट है ना, इसकी शुरुआत होती है 1906 में, जिसमें क्या हुआ था कि जितनी भी ऐसी चीज़ें थी जो बाहर की जगह से बन के आई थी, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से बन के आती हैं, उनको बायकॉट करने का काम इसके अंदर शुरू किया था। लोग सड़कों पे उतर आए थे, वंदे मातरम के नारे दिए जा रहे थे, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गंगा जी में स्नान हो रहा था, ये सब चीज़ें देखने को मिली। चलो अगला सवाल बताइए। Who was the first king of विजयनगर empire? अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो सबसे पहले राजा के रूप में किसका नाम जाना जाता है, बताइए, बोलो आंसर बताओ इसका। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, चलो बाद में आते जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग। ओके शुभम, एक्चुअली 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो ऑलरेडी बेटा अनअकैडमी पे दोपहर में 2 बजे क्लास हो रही है और संडे को सुबह 8 बजे क्लास होती है, तो जब वहाँ पे क्लास चल रही है तो फिर दो दो जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ किया जा सकता है कि उसको शॉर्ट में एक बार से एग्जाम से पहले उसको भी कंडक्ट कर दिया जाए। ठीक है, बताओ इसका आंसर बोलो क्या बनेगा। एग्जैक्टली अभी अक्षय एक्चुअली इसके ऊपर एक सवाल बना हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा हरिहर वन। ठीक है, हरिहर वन जो थे, अगर आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे पहले राजा के रूप में किसका नाम है, तो ये नाम हो गया। चलो ठीक है, फाइन, बट और क्या जानना है? जब मैंने कहा विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर जो है, अगर पूछते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कर्नाटका, स्टेट कौन सा होगा, कर्नाटका। आधे बच्चे आंध्र प्रदेश चले जाएंगे, बट आपको जाना कहाँ पर है, कर्नाटका में जाना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, विजयनगर एम्पायर की जो शुरुआत हुई थी वो कौन सी नदी के किनारे पर है, तो तुंग भद्रा नदी जो है उसके किनारे पर इसकी शुरुआत करी गई थी। ओके, अगला पॉइंट क्या बनेगा, अगला पॉइंट ये है, तुंग और भद्रा ये दो अलग अलग रिवर्स हैं जिसके किनारे आपको हम्पी की लोकेशन भी देखने को मिलती है। अब हम्पी कौन सी सूची में आता है, तो ये यूनेस्को की सूची में आता है, बहुत बढ़िया बात है। और यहीं अगर हम हम्पी की बात कर रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको बताया था मालगुड़ी डेज के बारे में, इसके लिए एक फार्म हाउस बनाया जा रहा है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, ओके, 10:30 बजे, देखो 10:30 बजे का जो मेरा क्लास होता है, 7 बजे का जो क्लास होता है,
5 बजे का जो क्लास होता है, ये तीनों क्लासेस मेरे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे रहते हैं। 10:30 बजे का जो क्लास है ये मेरा मंडे टू थर्सडे रहता है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वाईफाई स्टूडियोज चैनल पे, ठीक है। चलो अगला सवाल बताओ, बैटल ऑफ प्लासी, यार दिस इज द बच्चों वाला क्वेश्चन, आंसर करो। बैटल ऑफ प्लासी, मुझे आता है, ओके जम्मू से हो, अरे बाप रे, यही समस्या है जम्मू वाले बच्चों की, ठीक है। आई विल ट्राई, कोशिश करेंगे, क्योंकि एक हिस्सा तो, एक पार्ट जो है वो ऑलरेडी 3 महीने का है, एक हिस्सा और है तो वो मैं किसी भी दिन कंडक्ट करा दूंगी, ठीक है, आप उसे देख सकते हो। इसका आंसर बताओ क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। यार इसमें देखो बताने जैसा कुछ नहीं है, तुम सबको पता है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, कब हुआ था ये, 1757 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिशर्स के साम्राज्य की शुरुआत होती है भारत के अंदर एक बड़े स्तर पर, उसकी शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी के बाद में ही होती है। रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि इनका नाम बैटल ऑफ प्लासी में तो है, लेकिन ये भी बोला जाता है कि ये बहुत बड़े एक रोल प्लेयर थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके भारत के अंदर बढ़ती चली गई। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब तो ये अपना एक ही उद्देश्य लेके आए थे कि व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, बस और कुछ नहीं, हमें और कोई मतलब ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके इनका ये जो एम था वो क्या होता चला गया, चेंज होता चला गया। चलो अगला सवाल, हाउ मेनी किंगशिप स्टेट वर इन इंडिया ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, जब यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे कितनी किंगशिप स्टेट थी भारत के अंदर, राजघराने जिसे हम कहते हैं, बताइए, बोलो आंसर। भैया तुम लोग तो कह के निकल लेते हो कि मैम ये, मैम वो, मैम ये, मैम वो, तो बेटा मैम ये, मैम वो तो बता दिया, ठीक है, पर थोड़ा सा समय भी दिया करो, क्योंकि जो आप लिस्ट की बात कर रहे हो वो लिस्ट हम ऑलरेडी अपने सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स में 2 बार प्रोवाइड कर चुके हैं। लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि दोबारा से मैं उस दिन की प्रेजेंटेशन ढूंढूं और फिर आपको प्रोवाइड करें, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे ही यहाँ पे मुझे एक जगह पे सारी चीज़ें फिर से मिलेंगी, आई विल शेयर इट, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर यहाँ पे होगा, क्या बनेगा, 565 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। अब देखो पूजा, प्रेसिडेंट और नहीं, उसमें प्रेसिडेंट गवर्नर नहीं आते, नो। चलिए अच्छा, इसके आंसर की बात करें तो आप देख सकते हो कि इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे 565 आपको क्या देखने को मिली, जगह देखने को मिली। लेकिन एक और सवाल बनता है, वो क्वेश्चन क्या है, वो सवाल ये आता है कि पॉलिटी के पॉइंट से सवाल पूछते हैं क्या, जब इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स की फॉर्मेशन करी जा रही थी, जब फजल अली कमेटी बनाई गई थी, तो फजल अली कमेटी के समय पर भारत के अंदर कुल कितने राज्यों की स्थापना करी गई थी, तो आंसर बनेगा टोटल कितने स्टेट बनाए गए थे, 14 राज्य बनाए गए थे। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए थे, 6 यूनियन टेरिटरीज भी बनाई गई थी। तो दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा, फजल अली कमेटी से पूछा जाएगा तो ये भी आंसर कर लेना, और अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी आंसर हो गया। अगला सवाल बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन अहमदनगर फाउट अगेंस्ट द बादशाह अकबर, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी यहाँ पे योद्धा थी जिन्होंने बादशाह अकबर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, आपको इसका आंसर बताना है, और कहाँ पर, अहमदनगर के अंदर। देखिए जरा कौन आंसर करेगा, पहले तो जानो कि ये जगह है कहाँ पर, ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि इनका जो जन्म है, इनकी जो बर्थ है वो कब हुई थी, 1550 में इनकी जो बर्थ है वो देखने को मिली। चलो अब बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग राधे राधे, ओके ठीक है रत्नाकर, इस टॉपिक को भी इंक्लूड कर लेंगे, और बताओ। चलो इसका आंसर क्या बनेगा, चांद बीवी इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, सुल्तान आदिल शाह की जब डेथ हो जाती है युद्ध मैदान में, उसके बाद ये युद्ध के मैदान पे उतरती हैं, और इसी की वजह से इनका जो नाम है वो आपको हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि कब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, या फिर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अगला सवाल, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनेसा। जब हम रेनेसा की बात करते हैं, रेनेसा का मतलब होता है कि एक, आप कह सकते हो एक नई क्रांति लेकर आना, किसी भी चीज का मॉडर्नाइजेशन करना, है ना। तो किसको यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसा के नाम से जाना जाता है। भैया इनको क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया गया था, तो जरा सही से आंसर बताइएगा। चलो आंसर बोलो, इसका क्या बनेगा,
आर्टिकल का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, आर्टिकल का वीडियो भी पड़ा हुआ है, मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा आर्टिकल्स बाय कृति मैम, आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो, पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी है, आप वहां से चेक कर सकते हो। यस, तुम्हारा सही हो गया भैया, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो, जब हम राजा राम मोहन रॉय के नाम की बात करते हैं तो यूजुअली क्वेश्चन क्या आता है कि जो राजा की उपाधि है वो इनको कौन दिया था, तो अकबर टू के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी और इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनेसा। अगला सवाल बताइए, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में सवाल है, आपको बताना है कि इनकी डेथ कौन सी जगह पर हुई थी जब ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही थी। आपको पता ही है यहाँ पर कि जो वो क्या नाम है, ह्यूज थे, ह्यूज ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल कोई पर्सन था युद्ध के मैदान पे तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। अब आपको बताना है कि वो जगह कौन सी थी, बोलो। स्किप, गो विद स्किप, तुक्का मारोगे, अगर तुक्का लगाना ही है तो एटलीस्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, कि कम से कम वैसा वाला तो ना हो कि बिल्कुल ही गलत वाली सिचुएशन हो जाए, वो नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ओके, देखो यहाँ पर समझना है इस चीज को, जब हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो आपको ये टाइम पीरियड तो याद होना ही चाहिए, है ना, बट जब हम इनकी डेथ की बात करेंगे तो ये इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, ग्वालियर के अंदर हुई थी, और ये कहाँ से इसको लीड कर रही थी, झांसी से इसको लीड कर रही थी। कई बार सवाल पूछा जाता है कि अगर हम पूछें लखनऊ यानी कि अवध से, अवध से किसने लीड किया था 1857 का ये जो रिवोल्ट हुआ था, जो युद्ध हुआ था उसको, तो आंसर क्या बनेगा, बेगम हजरत महल। तो ये कुछ ऐसे नाम है जहां पे यूजुअली आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, अगले सवाल पे आते हैं, काहे भैया सेशन काहे नहीं करते हो, काहे नहीं करते हो, हमको ये बता दो, हमको रीजन दे दो। अब जब सेशन नहीं करोगे, समझ में कुछ आएगा नहीं, तो पीडीएफ से पढ़ के करोगे क्या, ये बताओ। पीडीएफ तो पड़ी हुई है टेलीग्राम पे, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अगला, विद्यापति वॉज द फेमस पोएट एंड ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज, आपको बताना है विद्यापति जो थे, अब ये कौन सी लैंग्वेज के ऑथर है। देखो, आज ही मैंने आपको बताया था किसके बारे में, कुछ बताया था ना सुबह सुबह, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में मैंने बोला था, लैंग्वेजेस एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो सुबह 7 बजे के सेशन में जो चीज़ें बताते हैं उसे नोट किया करो, और जो हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं उसे भी नोट किया करिए। बताइए इसका आंसर, बताओ लैंग्वेज बताइए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, मैथिली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होगी, मैथिली लैंग्वेज। अब जरा समझना इनके बारे में, अगर इनकी बात करेंगे तो पहली चीज तो ये है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आप लोगों ने बिहार के अंदर मधुबनी नाम की जगह सुनी हुई है, मधुबनी पेंटिंग्स भी हैं जिसको यूनेस्को के अंदर भी रखा गया है, और वो हेरिटेज साइट के अंदर आ ही रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो मधुबनी नाम की जो जगह है वहां पे इनका जन्म हुआ था 1352 में, और ये कौन सी भाषा में लिखते हैं, तो आंसर विल बी मैथिली लैंग्वेज। चलो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में नहीं लिखा है, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में भी बहुत सारी यहाँ पे किताबें लिखी हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो इनकी जो किताबें होती हैं या तो वो भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड होती हैं, या फिर अगर आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण के नाम के साथ में इनकी किताबें यूजुअली जुड़ी होती हैं, उनकी स्टोरीज के बारे में होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा अगला सवाल बताओ, व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड। यार ये तो इजी वाला है, दिस इज द इजीएस्ट वन, बताओ। मेरा चैनल ही नहीं मिलता इसने, यहाँ क्या बात कर रही हो, जाओ यूट्यूब पे लिखना वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, देखो बेटा कैसे नहीं मिलता है, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में सुबह 5 बजे का क्लास है, 7 बजे का क्लास है, 10:30 बजे का क्लास है, प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी बेटा, ऐसे कैसे बोल देते हो तुम लोग कि चैनल ही गायब हो गया है। बताओ इसका आंसर करो, संदीप एग्जैक्टली मलयालम लैंग्वेज में, बिल्कुल सही है, आज सुबह ही मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी था। तो इसका आंसर क्या बनेगा भैया, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1906। देखो इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि आगा खां के द्वारा यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। सेकंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो क्या है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की अगर बात करी जाए तो इनके द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए गए थे वो 1909 में आए थे, और उससे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो बी प्रिपेयर, ठीक है। देखो यहाँ पे अगले पे आते हैं, अगला सवाल, हरप्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड, यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें, अगर उस टाइम की हम बात करते हैं, उस सभ्यता की बात करें, तो इसमें से कौन से ऐसे भगवान थे जिसकी पूजा
इनके द्वारा नहीं करी जाती थी। लाल साहब साहू, हाँ दिखाई दे रहे हैं आपके कमेंट्स, बिल्कुल। चलिए अच्छा, इसका आंसर क्या बनेगा? देखो एक चीज समझना, जब हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, तो वो रिवर कौन सी होगी जिसके किनारे आपको ये देखने को मिलेगा? तो आंसर क्या हो जाएगी? इंदस रिवर रहेगी। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो हरप्पा की भी हैं और मोहनजोदड़ो की भी हैं, एंड प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पे, कहाँ, वही पड़ोसी पाकिस्तान में। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। पिजन की, कबूतर की नहीं करते थे? अच्छा कबूतर की नहीं करते थे, हो गया, सबका गलत हो गया भैया। इसका आंसर क्या बनेगा? भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती थी। मदर गॉडेस देखा है आपने, उनके बारे में काफ़ी सारे यहाँ पे अवशेष मिले थे, भगवान शिव के बारे में मिले थे। इसके साथ में अगर देखोगे तो बुल के भी बहुत सारे यहाँ पे अवशेष आपको देखने को मिलते हैं, बट भगवान विष्णु की यहाँ पे एज सच कोई भी पूजा नहीं होती थी, ये वैदिक सभ्यता में करी जाती थी। बस 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 यहीं पर हो जाती है कहानी सेट। अगला सवाल बताओ, What title did the British confer Gandhi, which was relinquished by him? आपसे सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे महात्मा गांधी जी को इसमें से कौन से वाले अवार्ड से सम्मानित किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वो अवार्ड वापस भी किया गया था जब जलियांवाला बाग कांड हो गया था। बताओ आंसर क्या होगा? इंडिया का बेस्ट फ्रेंड दैट इज पाकिस्तान। चलो इसका आंसर बोलो क्या बनेगा, फटाक से इसका आंसर बोलो। ओके ठीक है, ठीक बा बिल्कुल ठीक है इसका, राइट। केसरी हिंद, सब लोग केसरी हिंद बोल रहे हो, चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। केसरी हिंद इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। देखिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, बट ये ध्यान रखिएगा कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई थी, इन्होंने तो अपना केसरी हिंद वापस किया था और नाइटहुड का जो खिताब मिला था किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, वो भी यहाँ पे वापस किया गया था। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला, द लाइन कैपिटल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग, आपको बताना है कि जो ये सिंबल था, एक जो एम्बल था, इसको कौन से वाले शासन के समय पर बनाया गया था, एम्पायर का नाम बताना है। बोलिए, प्रहलाद ओके राज, बिल्कुल सही है। अरे बाबा रे, ऐसे नहीं करते हैं। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे आपको देखने को मिला। अच्छा देखो एक चीज और, जब आपसे पूछा जाएगा महावीर स्वामी के बारे में, आप ये चीज जानते हैं कि जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर, ठीक है, कितने, 24 तीर्थंकर। अब लास्ट वाले कौन, महावीर स्वामी, इनका जो चिन्ह है, इनका जो सिंबल है, वो भी क्या है, लाइन है। क्वेश्चन यहां से भी आपसे पुट अप हो सकता है। ठीक है अगला बताओ, हु प्लेस्ड विस्काउंट लुइस माउंटबेटन एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आपको बताना है यहाँ पे कि इन्होंने या फिर इनको किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था, यानी कि इनकी जगह पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि माउंटबेटन प्लान आया था बिल्कुल आखिरी में और उसके बाद इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात आती है। माउंटबेटन प्लान को बोला जाता है 3rd June plan, तो अगर ऐसे पूछें तो भी माउंटबेटन का नाम, और अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट का करके पूछेगा तो भी यही नाम हो जाएगा। अब आंसर करो, देखिए क्या बताते हो। एग्जैक्टली अमिताभ घोष जी को मिला है, बिल्कुल सही बात है। देखो सुबह 7 बजे का करेंट अफेयर्स का क्लास के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, उस पर आज मैंने सारी चीजें ऑलरेडी बता दी, पढ़ा दिया भाई ये सब। चलो भैया आंसर बताओ, राजगोपालाचारी जी, बिल्कुल सही आंसर है, राजगोपालाचारी जी। सिंपल वन लाइन का सवाल बनेगा। अगला बताओ, हु फाउंडेड दी मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी यहाँ पे किसके द्वारा शुरू करी गई थी? आधे बताएंगे अकबर, आधे बताएंगे हुमायूं, आधे बताएंगे बाबर, आधे बताएंगे शाहजहां। चलिए अच्छा आंसर करो। अच्छा भाई एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आज आपका कोई स्पेशल क्लास नहीं है अनअकैडमी पे, बट कल आपके स्पेशल क्लासेस हैं। सुबह 8 बजे होगा मार्च का करेंट अफेयर्स अनअकैडमी पे, और दूसरा जो होगा वो शाम को 6 बजे UPSC और UPPSC का मॉक टेस्ट है। ठीक है, सेकेंडली आज 10:30 बजे आपका वाईफाई स्टडी स्टेट PCS चैनल पे क्लास लगा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम का थ्योरी क्लास है। ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाबर होगा, देख लो कहीं अकबर ना हो।
पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, आंसर विल बी बाबर। अरे यार इसमें क्या सोचना है, लेकिन देखो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, अकबर के टाइम की बात करें तो दिस इज द एंड टाइम, है ना। इसके बाद किसका साम्राज्य शुरू होगा, जहांगीर का। और जहांगीर का जब टाइम शुरू होता है, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके उसके नाम पे फरमान जारी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ दी मिनरेट्स वर बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह, आपको बताना है कि मोहम्मद कुतुब शाह के द्वारा इसमें से कौन सी चीज को बनाया गया था। लेकिन बनाया गया था बट क्यों बनाया गया था, तो वहां पे जो प्लेग होती ना, महामारी की जो समस्या हो जाती है, मतलब काफी सारे लोग जैसे भूख से मर रहे हैं या फिर कोई बीमारी हो गई, जो प्लेग होता है ना, अब प्लेग के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की डेथ वगैरह हो रही थी, तो उसको पूरी तरीके से जब खत्म कर दिया गया तो उसकी याद में यहाँ पे एक चीज बनाई गई, वो चीज क्या थी वो बतानी है, बताओ। देखिए जरा आंसर क्या करेंगे, कौन सा। देखो वो जो चैनल मैंने बताया है वहां पे तो सिर्फ आपको सैटरडे क्लास मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको सिर्फ सैटरडे क्लास मिलेगा सुबह 9 बजे, ठीक है ना। चलो ये आंसर बताओ इसका क्या होगा, शशांक, राइट। पॉलिटी का टेस्ट मीनू पिछले वीक हो चुका है, शायद आपने देखा नहीं था वो क्लास, एक बार से देख लो। आंसर विल बी चार मीनार। अब सवाल आया कि भैया चार मीनार है कहाँ पर, सबको मालूम होना चाहिए कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद क्या है, पूरे वर्ल्ड की वैक्सीन सिटी के नाम से जानी जा रही है, इसको खा मत जाना, ये पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। तो कहाँ है चार मीनार, हैदराबाद के अंदर ये लोकेटेड है। चलो अच्छा अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस, आपको टूरिस्ट प्लेस का नाम बताना है जिसको बनाया गया है किंग जॉर्ज वन एंड क्वीन मैरी की विजिट के याद में, यानी कि जब ये दोनों लोग भारत की यात्रा पे आए थे तो इसमें से कौन सी जगह को बनाया गया था, बताइए। चार मीनार, चार मीनार, ओके, हैदराबाद में। मैराथन क्लास कब होगी, या मैराथन क्लास तो मुझे खुद नहीं पता कि कब होगी, देखते हैं। मूसी नदी के किनारे पर है, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या होगा, गेटवे ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। देखो इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट मत कर देना। मेरा सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर बना हुआ है, अभी आधे बोलेंगे मैम ऐसे सवाल कौन पूछता है, आधे गलत करेंगे, आई एम डैम श्योर आधे गलत करके बताएंगे, इसीलिए पूछा है। बताओ गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। अगला सवाल, हु ऑर्डर्ड दी जलियांवाला बाग मैसेकर। देखो जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, पहली चीज तो याद रखिएगा रोलेट एक्ट, है ना, 1919 रोलेट एक्ट के विद्रोह में ही आपको जलियांवाला बाग कांड देखने को मिला, बहुत सही है। अब इसके बाद ही अगर आप देखोगे तो 1920 में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। अब आपको बताना है कि जलियांवाला बाग कांड जो पंजाब में हुआ था उसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने यहाँ पे गोलियां चलाना शुरू करी थी, उस पर्सन का नाम बताना है, बताइए। मुंबई में, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर बताओ, वो पर्सन कौन सा था, वो व्यक्ति कौन सा था, फटाक से आंसर करो इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ डायर। सिंपल बात है, जनरल ओ डायर थे, है ना। और जब ये ब्रिटेन में वापस जाते हैं तो उनको खूब सारे अवार्ड वगैरह मिलते हैं। और जलियांवाला बाग कांड के लिए यहाँ पे जो एक कमिटी बनाई जाती है उसका नाम क्या है, हंटर कमिटी। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा होती है, और जो भारतीयों के द्वारा बनाई जाती है उसका नाम क्या है, तहकीकात कमेटी। दोनों ही नाम याद रखना। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जो एक ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं है। ग्रुप से जुड़ी हुई का नहीं का मतलब ये हो गया कि उस जगह पर नहीं है, उसकी जगह कुछ और है, बताइए। ऑड वन आउट होता है ना, जस्ट फाइंड ऑड वन आउट, बस वही वाली कहानी बतानी है, बताओ। जल्दी से आंसर करके बताओ भाई। चलो इसका आंसर क्या बनेगा, गेटवे ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी ना, तो ये सारी जगह अलग हो जाएंगी। आप देख सकते हैं आगरा फोर्ट, बुलंद दरवाजा, ये सब एक जगह हो जाएगी। और ये कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मुंबई के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो जगह है ये मुगल डायनेस्टी के टाइम पे इस मॉन्यूमेंट को बनवाया गया, ठीक है। अगला देखो, इन विच ईयर भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड, यानी कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी। पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि ये जो डेट है ना जिसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। दूसरा सवाल बनाया जाता है कि भगत सिंह के साथ में अगर देखा जाए तो दो और लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल में जरूरी नहीं है आपसे ये पूछा जाए, बट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा वाला सत्र चल रहा था, कौन सा सेशन चल रहा था
जहां पे इनकी फांसी की सजा को मंजूरी दी गई थी। तो वो सेशन कौन सा हो जाएगा आपका? कराची सेशन। कौन सा वाला? कराची सेशन। अब कराची सेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1931 में अगर आप देखेंगे तो रात थी ना, 23 मार्च की रात थी और 24 मार्च की सुबह थी, ठीक है। तो उस टाइम पे इनको फांसी की सजा की बात हुई। इनके साथ में राजगुरु और सुखदेव, इनको भी फांसी की सजा सुनाई गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी के चलते। ये सेशन कहाँ पर हुआ था? कराची के अंदर ये सेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने बोला था, गांधी में डाय बट नॉट दी गांधीज़म, ठीक है। चलिए अगला आता है, अगला सवाल, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस? भैया थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद में सबसे पहली महिला राष्ट्र अध्यक्ष आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देखो, अगर सरोजिनी नायडू जी की बात करेंगे तो ये फर्स्ट इंडियन हो जाएंगी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन हो जाएंगी। ईयर क्या रहेगा यहाँ पे? 1925। अगर पूछा जाता है सबसे पहली महिला, बट इंडियन नहीं लगा है, तो आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट होगा। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा तो आंसर क्या बनेगा बताओ? देखो आदम के गुड मॉर्निंग, तो अब आते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा? इंदिरा गांधी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सवाल में पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और इंदिरा गांधी के टाइम में सबसे ज्यादा जो सवाल बनता है वो आता है 1975 के साथ में, क्योंकि इस टाइम पे इनके द्वारा इमरजेंसी लगाई गई। अच्छा ठीक है, सेकेंड पॉइंट पूछते हैं, 1976 के टाइम पे संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा वाला संविधान संशोधन है? 42nd नंबर का संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसको इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला बताओ, देखो सोनिया गांधी बता रहे हैं, हदी है, मतलब तुम लोग तो बेइज्जती करा दो कहीं पर भी। अगला सवाल बताइए, लास्ट सुपर, ये एक पेंटिंग है, आपको बताना है कि इसको किसके द्वारा पेंट किया गया। ये एक पेंटिंग है, आपको बताना है इसको किसके द्वारा पेंट किया गया। देखो सबसे पहली चीज समझिएगा, दो कलर के, दो तरीके के कलर्स होते हैं, एक होता है मिनिएचर, एक होता है फेस्को। फेस्को पेंटिंग में बड़े ब्राइट कलर्स होते हैं, चमकीले टाइप के ना, चमाचम टाइप के जो कलर्स होते हैं वो होते हैं। मिनिएचर कलर क्या होते हैं ना, वो ओरिजिनल रियल कलर्स होते हैं। तो ये जो पेंटिंग बनाई गई थी ना, ये मिनिएचर कलर से थी, मतलब ओरिजिनल कलर से बनाई गई थी। कहाँ पर? इटली के अंदर। अब तो बता दो भैया कौन सा ऐसा पर्सन होगा, इसका आंसर बनेगा लियोनार्डो दा विंची। कंट्री इटली। कहाँ पे बनाई थी? मिलान के अंदर। मिलान कहाँ है? इटली के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके राइट, राज बिल्कुल सही। अगला सवाल, हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? सवाल में पूछा जा रहा है कि हरप्पन सभ्यता जो है इसकी खोज कब करी गई थी, आंसर बताओ इसका जल्दी से। द ग्रेट लियोनार्डो विंसी, विंसी विंसी विंसी, ठीक है। जाइदा घोष राइट, अक्षय शालू, सुजीत चंदन, छोटू बिल्कुल करेक्ट, भूपेंद्र, अंजू, सुमित्रा राइट, काजल करेक्ट। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1921। अब एक चीज समझिएगा कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में इस जगह की बात करते हैं तो अभी ये कहाँ पर है? पंजाब वाला एरिया, लेकिन कौन सा? पाकिस्तान, है ना। अब हमको ये भी पता है कि राम सहानी जी जो हैं उनके द्वारा इसकी खोज करी गई। 1920 से इन्होंने इसकी खोज करना शुरू किया था और 1921 में इसकी खोज कर ली गई थी, 1921, ठीक है। अगला सवाल बताइए, जयदेव द फेमस ऑथर ऑफ गीता गोविंद, यानी कि गीता गोविंद को किसके द्वारा लिखा गया? जयदेव के द्वारा लिखा गया। आपको बताना है कि किसके कोर्ट के पोएट थे, ये किसके कोर्ट के पोएट थे बताओ, आंसर बोलो। भैया अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक बार से उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार से एक्सप्लेनेशन देख लेना उसका, इसका आंसर क्या होगा? थ्री होगा, लक्ष्मण सेन होगा, लक्ष्मण सेन। सब लोग लक्ष्मण सेन बोल रहे हैं, पक्का पक्का लक्ष्मण सेन, बिल्कुल सही बात है। लक्ष्मण सेन के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पर इनको उनके कोर्ट में पोएट के रूप में जाना गया। जैसे वो पूछते हैं ना, आमिर खुसरो के बारे में पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा किंग रहे हैं उनके टाइम पे, मतलब सात लोगों के साम्राज्य के समय पर वो पोएट के रूप में रहे हैं, जिनको यहाँ पे क्या बोला जाता है, पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल बताइए, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी के अंदर है, आपको बताना है कि इसको किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, इसको किसके द्वारा बनवाया गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुझे पता है कि इसमें आप नन ऑफ दीज मार्क करेंगे,
भैया कोई टाइमिंग चेंज नहीं हो रही है, आप लोग शेड्यूल ही नहीं समझ रहे हो। जब आपको पता है 10:30 बजे का क्लास वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे मंडे टू थर्सडे होता है, सैटरडे को सिर्फ 3 क्लासेस होते हैं यूट्यूब पे, पहला 7 बजे होता है, फिर 9 बजे होता है, और आज 10:30 बजे एक स्पेशल क्लास लगा हुआ है। भैया शेड्यूल आप लोग नहीं याद रखते हो, अब बताओ इसमें हम क्या करें? बार बार तो शेड्यूल नहीं बता सकते ना, या पढ़ाएं या बार बार शेड्यूल बताएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत वर्मा, अब जरा समझना, जब मैंने बोला जगन्नाथ टेम्पल तो ये कहाँ है? पुरी के अंदर है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। पुरी की लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ये तट पे है, बिल्कुल कोस्ट पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। चलो ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? वो भी यहीं पर है। इसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये 12th सेंचुरी के टाइम पे बनवाया गया था, आंसर यही मार्क करोगे। लेकिन अगर सपोज करो ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है तो नरसिंह देव टू इनका नाम जो है वो आंसर में मार्क करके आओगे। कई बार एग्जाम में ना क्या होता है, खेल जाता है कौन, एग्जामिनर। और अगर डायनेस्टी पूछ ली तो गंगा डायनेस्टी आंसर मार्क करके आइएगा, ठीक है। अगला सवाल बताइए, खजुराहो टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? खजुराहो टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? हाँ सौभाग्य, तुम्हारे कमेंट्स अब शो हो रहे हैं, बताओ। अमित रो क्यों रहे हैं? रोते हुए आंसर कौन बताता है? ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अच्छा देखिए, खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? एमपी के अंदर है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। और ये जो मंदिर है ये हिंदू धर्म और जैन धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। किस जगह पे? तो छत्तरपुर नाम की जो जगह है एमपी में, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया? चंडेलास के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई। अगला सवाल, एम्परर हर्षा, आपको बताना है इनके बारे में कि इन्होंने किसको रोका था, या फिर आपसे अगर पूछा जाए कि इनको वॉज स्टॉप्ड नर्मदा नदी के किनारे, इनको किसके द्वारा रोका गया था? पुलकेशिन वन, पुलकेशिन टू। देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचे दो ऑप्शन। ऐसे देखो, ऐसे एलिमिनेट करो, अगर ऐसे एलिमिनेट करके आंसर आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो क्वेश्चन को स्किप करो, क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग है तो फायदा क्या है वहां पे कि गड़बड़ करके आओ, है ना। बैजी जी हाँ बिल्कुल शो हो रहा है। चलिए अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? पुलकेशिन टू इज द राइट आंसर। पुलकेशिन की अगर हम बात करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, चालुक्य किंग थे ये। कौन थे? चालुक्य किंग थे। और अगर सवाल पूछा जाए कहाँ के राजा थे, तो मैसूर का जो नॉर्थ का एरिया था वहाँ के ये राजा के रूप में थे उस टाइम पर, ठीक है। अगला सवाल, महाबलीपुरम, यार ये तो ऐसे ही बता लोगे, महाबलीपुरम आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको कौन से वाले किंग के द्वारा बनवाया गया था, बताइए। आज ही तुम पूछ रहे थे साउथ डायनेस्टी, और आज ही साउथ डायनेस्टी के ऊपर सवाल भी निकाल दिए। चलिए इसका आंसर बताओ, इसका आंसर हो जाएगा पल्लवास। देखो महाबलीपुरम कहाँ पर है? ये आपके तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवास। मैंने बताया था चोलास हो, पल्लवास हो, या फिर पुलकेशिन होगा, ये तीनों ही आपको कहाँ पे मिलेंगे? साउथ में मिलेंगे, ठीक है। अगला सवाल, समुद्रगुप्त, इनको एक टाइटल दिया गया था इंडियन नेपोलियन का, आपको बताना है कि ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया, ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया? नोटिफिकेशन नहीं आता है, अरे भैया बड़ी समस्या है। भैया एक काम करो, एक बार शेड्यूल अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि बार बार ये चीज़ें होंगी तो दिक्कत आप ही को होगी, है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा? वी ए स्मिथ के द्वारा इनको ये टाइटल दिया गया था। अगला सवाल, अभी किसी ने कुछ देर पहले मुझे ये बोला था कि मैम ये वाला पॉइंट, तो मैंने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि आगे सवाल बना हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो राजधानी थी वो कहाँ से कहाँ के लिए बदली गई थी, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो जो तुगलक वंश था आपको मालूम ही है, आपको बताना है कि इस टाइम पे जो राजधानी थी वो कहाँ से कहाँ के लिए बदली गई थी। सैटरडे को क्लासेस का टाइम थोड़ा चेंज रहता है तो इसको थोड़ा ध्यान रखा करो। 7 AM करंट अफेयर्स रहता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, 9 बजे यहाँ पे क्लास रहता है, दोनों याद रखना। और आज जो 10:30 बजे स्पेशल क्लास लगा है ड्रेनेज सिस्टम का, कहाँ पे? वाईफाई स्टडी स्टेट पीसीएस चैनल पे, जो कि नया चैनल है, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? दिल्ली टू देवगिरी, ठीक है। देवागिरी बोलो या देवगिरी बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अगला सवाल बताओ, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा, बताइए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के अंदर सबसे पहले भारतीय जिनको चुना गया था? देखो ये आंसर नहीं है,
और ये भी आंसर नहीं है, बचे दो ऑप्शन, बताओ बचे दो ऑप्शन। पहली चीज ध्यान रखिएगा, दादा भाई नरोजी जी की अगर हम बात करेंगे तो आईएनसी जो है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर इनको कई बार अध्यक्ष के रूप में चुना गया यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। जवाहरलाल नेहरू 3 टाइम्स। सुभाष चंद्र बोस 2 टाइम्स। अब इनका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नरोजी। ठीक है चलो, अच्छा आगे चले। करेक्ट, चलिए अच्छा आगे देखते हैं भाई। अगला सवाल, हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू द गोल्ड कॉइन? अब इसमें देखो आधे लोग आंसर करेंगे 2, आधे लोग आंसर करेंगे 3। सवाल में पूछा जा रहा है भारत के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? नेम द पर्सन, नेम द पर्सन। वो देखो लोहिया जी आंसर आ रहा है, गलती माफ, तुमने सच में गलती कर दी है, चलो कोई नहीं गलती माफ। इसका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक इज द करेक्ट आंसर। देखो अगर लिखकर आता है परफेक्टली क्वाइंड गोल्ड क्वाइंस तो आंसर गुप्ता करके आओगे, लेकिन अगर ऐसे ही सवाल बनेगा तो आपको आंसर इंडो ग्रीक करके आना है। अगला सवाल बताओ, यहाँ पे फेमस हिंदी राइटर का आपको नाम बताना है जिसने यहाँ पे क्या किया था, जब असहयोग आंदोलन चला था तो अपनी जॉब छोड़ दी थी। आपको पता होगा 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो मैक्सिमम लोगों ने अपनी अपनी जॉब छोड़ दी थी, मतलब वो लोग सड़कों पर निकल आए थे, प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। आपको बताना है उन पर्सन का नाम जो कि हिंदी राइटर थे, बताइए क्या बनेगा इसका आंसर? मुंशी प्रेमचंद इज द राइट आंसर। अगला सवाल बताओ, व्हेन डिड गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन 1 ईयर? गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया स्वराज इन 1 ईयर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा जाएगा तो 8th of August का नाम याद आना चाहिए और इसके साथ में डू और डाई का जो नारा था वो याद होना चाहिए। बट अभी 2020 में जो नारा आया है करेंगे और करके रहेंगे, जरा वो भी याद रख लेना। सवाल पता चला वहां से बन गया तो क्या करोगे, है ना? बताइए स्किप में से ही क्वेश्चन आए नायन और काहे के लिए बेटा पढ़ते हो ये बताओ। तो इसका आंसर बनेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के समय पर ये हुआ था। अगला, गांधी जी के द्वारा इसमें से कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिसको लंग्स कहा गया था, मतलब जिसके बिना तो जीवन बेकार है, जीने ही नहीं चाहिए, वो दो चीजें कौन सी हैं, वो दो चीजें कौन सी हैं बताओ। ठीक है चलो, इसका आंसर क्या होगा? अहिंसा और तृत्व। ऑब्वियसली बात है कि यही होगा, कुछ और तो हो ही नहीं सकता था, है ना? अगला बताइए, 1939 के टाइम पे सुभाष चंद्र बोस को क्या चुना गया था? प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। किसको इन्होंने हराया था? क्योंकि 1938 में और 39 में अगर आप देखोगे तो दो बार यहाँ पे आपको सुभाष चंद्र बोस जी एज अ प्रेसिडेंट अध्यक्ष के रूप में मिलेंगे आईएनसी के अंदर। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन्होंने 1939 में किसको हरा के ये गद्दी हासिल करी थी। भैया बड़ा चर्चा में रहा था, पीडीएफ इसी वीडियो के नीचे मिलेगी या फिर मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सीतारमैया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है। एक काम करते ना, डायनेस्टीज के ऊपर फिर अलग से एक क्लास ही लेंगे ना, क्योंकि फिर अभी तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि जल्दी जल्दी हवा में सारी चीजें बताई जाए, है ना? चलो अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? व्योम सत्याग्रह इज द राइट आंसर। इसमें उन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगला सवाल, वेयर वॉज महात्मा गांधी वेन द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया? जब भारत के अंदर कैबिनेट मिशन आया था उस टाइम पे महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? देखो एक था क्रिप्स, है ना, एक था क्रिप्स, मतलब मूवी का नाम ही हो जाएगा 1942। और अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1946। जब ये आया था भारत के अंदर तो इसका काम ये था कि भारत का संविधान ये बनाएगा। ठीक है अच्छा, अब उस टाइम पे महात्मा गांधी जी कहाँ थे? वो थे उस टाइम पे पुणे के अंदर। तो अगर सवाल बनेगा तो इट इज यू शुड हैव द आंसर। ठीक है, अगला, गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट इसको और किस नाम से जाना जाता है? आर्ट और कल्चर से भी आजकल सवाल पूछे जाते हैं, तो आर्ट और कल्चर के भी पार्ट से आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बने हुए हैं वो नगारा स्टाइल के हैं, साउथ इंडिया में जो मंदिर बने हुए हैं वो द्रविड़ियन स्टाइल के हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बताओ बच्चा 40 में कितने सवाल तुमने किए हैं करेक्ट?
आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद अभी 10:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टेट पीसीएस चैनल पे मिलेंगे, और डेली क्लासेस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। मेरा जीएस का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 29th ऑफ सितंबर से, जो कि बेसिक टू एडवांस बैच है। ध्यान से सुनना, बेसिक टू एडवांस बैच है, जिसमें सबसे पहले हम साइंस पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, देन आपका इकोनॉमिक्स। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, कोड रहेगा Krati10। इस बैच को वो सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो SSC, NDA, CDS, रेलवे वाले बच्चे 3 महीने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस उनको सारे मिल ही जाएंगे, इसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिल जाएगा, और जो स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहते हो, दे कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। स्पेशल करंट अफेयर्स का जो सेशन चल रहा है, ये क्लास होता है आपका मंडे टू फ्राइडे दोपहर में 2 बजे अनअकैडमी पे, और संडे को होता है सुबह 8 बजे, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कल सुबह 7 बजे वीकली MCQ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, और उसके बाद आपको मिलेगा 8 बजे ये सेशन, ठीक है। चलिए, अच्छा, उम्मीद करेंगे कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक और शेयर मार देना, और PDF मिलेगी वाईफाई कहाँ पे, स्टडी के ऐप पे, और साथ में टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको एक बार से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर। अभी मिलते हैं 10:30 बजे कौन से चैनल पे, कहाँ मिलेंगे, चैनल का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।